हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू सारथी एजुकेशन। इस वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज के बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी दो वीडियोस के अंदर मैं आपको रानी दुर्गावती, शंकर शाह और रघुनाथ शाह, इन दोनों ट्राइबल पर्सनालिटीज के बारे में बता चुका हूँ। इस लेक्चर की तीन जो ट्राइबल पर्सनालिटीज हैं वो होंगी खज्जा नायक, भीमा नायक और टंटिया मामा या टंटिया भील। ये तीनों जो पर्सनालिटी हैं मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ के रीजन में 1857 के रिवॉल्ट में, 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान है इन तीनों लोगों ने दिया, और अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। और इनके कारण अंग्रेजों ने कई सारी जो सेना है वो सिंधवा और आपके इंदौर के अंदर और निमाड़ के बाकी रीजन के अंदर यहाँ पर आपको स्टैब्लिश करी। तो पहले हम बात कर लेते हैं अन अकेडमी पर मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ और कौन से टॉपिक्स अभी चल रहे हैं। अन अकेडमी पर एक काफी इंपॉर्टेंट कोर्स अभी चल रहा है, कंप्लीट कोर्स फॉर द एमपीपीएससी 2020 2020 के लिए, एक प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कोर्स चल रहा है जिसमें पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस जो है मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। साथ ही इसी के साथ में एक एमसीक्यू सीरीज चल रही है, क्योंकि आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक को पढ़ने के बाद ही जरूरी है कि उस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज जो है वो आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकें ताकि आपका जो नॉलेज है वो बढ़ सके, और उसी के साथ में आपका उस टॉपिक का प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस भी यहाँ पर आपको हो सके। तो इसके लिए ये दो इंपॉर्टेंट कोर्सेज चल रहे हैं। उसके अलावा कई सारे बैच कोर्सेज प्लस की मेंस की कई सारी जो क्लासेस हैं वो भी ऑलरेडी यहाँ पर आपको रनिंग में है 2019-2020 सभी क्लासेस के लिए। तो इन सब चीजों को अटेंड करने के लिए आपको सिंपली मेरा कोड पवन लाइव है, पवन लाइव कोड यूज करना है, और पवन लाइव अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% जो डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट आपको प्लस क्लासेस के ऊपर मिल जाएगा, प्लस के सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिल जाएगा। अभी आपके पास 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, और अभी रिसेंटली हम लोगों ने 18 मंथ और 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लॉन्च कर दिया है, ताकि कुछ बच्चे जो है उनको लगता है कि ठीक है 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन ठीक है, हमारा एग्जाम और सिलेबस हो जाएगा, तो 18 मंथ का ले सकते हैं। साथ ही जो 12th पास अभी किए हैं तो 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 36 मंथ का ले सकते हैं। इनको लेने के लिए आप सिंपली पवन लाइव कोड यूज करना है, 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये डिस्काउंट आपको मिलेगा सिर्फ 28 फेब तक, 28 फरवरी तक, क्योंकि उसके बाद जो 10% डिस्काउंट है ये 5% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, या आप अगर अपने बेनिफिट अभी चाहते हैं तो अभी जाके सब्सक्राइब करें पवन लाइव कोड यूज करके, साथ ही अपने जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं उन क्रेडिट पॉइंट का उपयोग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर है हमारे, खाजा नायक। कहीं कहीं आपको ख्वाजा नायक भी इनका नाम मिलेगा, लेकिन दोनों नामों से इनको जाना जाता है। जनरली किताबों के अंदर खाजा नायक ही लिखा है, कहीं कहीं आपको ख्वाजा नायक भी मिल सकता है, लेकिन खाजा नायक के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का जो सिंधवा है, जो आप बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश की ऑलमोस्ट जो बॉर्डर वाला एरिया है, महाराष्ट्र लगी हुई बॉर्डर है, उस एरिया के आसपास कहीं इनका जन्म हुआ। अब एग्जैक्टली कहाँ जन्म हुआ ये तो एक कंट्रोवर्शियल विषय है कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ, तो वो आपको थोड़ा छोड़ देना है कि जन्म कहाँ पर हुआ, ठीक है। उसको 3-4 जगह अलग अलग आपको चीजें मिल रही है। तो इनके जो पिताजी थे आपके खाजा नायक के, उनका नाम था गुमान नायक, और गुमान नायक जी जो थे ये आपके सिंधवा का जो घाट है उस सिंधवा के घाट पे वार्डन का काम करते थे। वार्डन मतलब जो उसकी घाट की देख रेख करना, कोई घटनाएं वगैरह तो नहीं हो रही वहां पे, तो उनको देख रेख करने का जो काम है इनके पिताजी खाजा नायक, आपके खाजा नायक के पिताजी जो है गुमान नायक किया करते थे। जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई और इनके पिताजी की मृत्यु के बाद अंग्रेज लोगों ने इन्हीं को वहां का जो चौकीदार है या वहां का जो वार्डन है वो वार्डन यहाँ पे नियुक्त कर दिया। हिंदी में आप उसको चौकीदार बोल सकते हैं। तो चौकीदार या वार्डन के रूप में इनकी नियुक्ति 1833 में इनके पिताजी की मृत्यु के बाद यहाँ पे की गई। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जब इन्होंने कई सारी एक्टिविटीज यहाँ पर की, क्योंकि शुरू में तो ये अंग्रेजों के पूरे सपोर्ट में थे, कई सारे लोगों को पकड़ाने में यहाँ पे मदद किया या कई सारी एक्टिविटीज यहाँ पर होने से रोकी, तो उसको लेके एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था कैप्टन मॉरिस, वो बड़ा इनसे प्रसन्न था, बड़ा खुश था इनसे। तो 100 रुपी का जो एक इनाम है, इनाम उनको दिया। आज से 1835-40 के अंदर 100 रुपये जो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, तो एक तरीके से अंग्रेजों का बड़ा सिपहसालार हुआ करते थे खाजा नायक, ठीक है। तो लेकिन अचानक एक बार कहा जाता है कि इन्होंने कुछ क्रांतिकारी जो गतिविधि करने वाले लोग थे उन लोगों की मदद कर दी, और उनकी मदद करने के कारण इनको जो वार्डन का पद था उस वार्डन के पद से यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर आपको हटाया गया, और उसके कारण ये अंग्रेजों से बड़ा नाराज हो गए, और अंग्रेजों से नाराज होने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत है वो बगावत इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी। इसके लिए इन्होंने अपने 200 लोगों की जो सेना है, 200 लोगों की सेना बनाई, और 200 लोगों की सेना बना के 1851 में, 1851 के 1850-1851 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़े लेवल पे एक्टिविटी वगैरह इन्होंने करना स्टार्ट कर दी। स्पेशली जो सेना इन्होंने बनाई तो उनके आसपास सिंधवा और बाकी बड़वानी के आसपास का रीजन है, यहाँ पे कई सारे ट्राइबल यूथ रहते थे,
इन यूथ्स को इन्होंने इकट्ठा किया, और इन यूथ्स के अंदर इनकी काफी पॉपुलैरिटी थी, काफी इनको माना जाता था वहां पे। तो उन यूथ को इकट्ठा करके 200 लोगों की एक सेना इन्होंने यहाँ पे बनाई, लेकिन अंग्रेजों को उसके बारे में पता लग जाता है और एक मर्डर केस में, एक इन्होंने किसी एक अपने ही व्यक्ति की मृत्यु हत्या कर दी थी, उनके इल्जाम में इनको 10 साल की जो सजा है, 10 साल की सजा इनको यहाँ पे सुनाई गई। लेकिन जल्द ही अंग्रेज सरकार ने इनको रिहा कर दिया। 1856 में इनको जब रिहा किया गया, तो रिहा करने के बाद फिर से सिंधवा का जो वार्डन है, वो सिंधवा का वार्डन फिर से अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन इतने सालों तक अंग्रेजों की जेल में रहने के बाद, अंग्रेजों की यातनाएं सहने के बाद, उनको लगा कि अब अंग्रेजों की नौकरी जो है खाजा नायक अब यहाँ पे नहीं कर सकते, और नौकरी छोड़ के उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी जो आर्मी जो पहले थी वैसी ही आर्मी उन्होंने फिर से यहाँ पर आपको अपॉइंट कर दी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनकी आर्मी के अंदर जो समय के दूसरे एक बड़े लीडर हुआ करते थे भीमा नायक, तो वो भी इनकी आर्मी में आके या इनके जो सेना है उसमें आके शामिल हो गए। क्योंकि पहले दो भीमा नायक अपना अलग एक ग्रुप चला रहे थे, खाजा नायक अपना एक ग्रुप अलग ग्रुप चला रहे थे, दोनों ने अपना ग्रुप जो है वो मर्ज कर दिया, और मर्ज करके जो भीमा नायक है वो इन्हीं के साथ में काम करना भीमा नायक ने शुरू कर दिया। तो इतने बड़े लीडर थे कि भीमा नायक जैसे लोग जो है वो भी इनके साथ में यहाँ पर आपको काम करने लगे। अब उसके बाद इनकी जो आर्मी थी, इनकी जो खाजा नायक की जो सेना थी, उसको ना दो पार्ट में डिवाइड किया। एक धाबा बावड़ी करके जगह है बड़वानी के आसपास, तो एक वहां पर इनकी आर्मी थी, और दूसरी जो आर्मी थी अंबा पानी है, गड़ा अंबा पानी जो रायसेन के आसपास का एरिया है, तो एक आर्मी उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए वहां भेजी, जहां पर 57 के बैटल में जो आपका अंबा गड़ा अंबा पानी के जो फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान थी, तो उनकी भी इन्होंने मदद करी। साथ ही भीमा नायक जो है उन्होंने भी इनकी आर्मी ने यहाँ पे मदद करी। तो हमारे मालवा और निमाड़ के रीजन के अलावा आपके जो बुंदेलखंड के रायसेन के आसपास का जो रीजन है, उस रीजन के अंदर भी इन्होंने अपना जो सपोर्ट है या अपने लड़ने के लिए लड़ाके हैं, वो लड़ाके वहां पर आपको उनके अंदर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, अब इसी जुर्म में या उन्होंने जब अपना सेना वगैरह सब कुछ यहाँ पे की, और एक दिन अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया, और इनको गिरफ्तार करके फिर कहा जाता है कि इनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज इन लोगों को अरेस्ट नहीं कर पाए। इनके जो बाकी लीडर्स थे, कई सारे इनके दूसरे जो साथी लोग थे, वो लोग अरेस्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा नायक जो है उन ख्वाजा नायक को अंग्रेज यहाँ पर आपको नहीं पकड़ पाए। और बाद में फिर कहा जाता है कि जो ख्वाजा नायक है उनको उनके एक साथी जो थे उनकी मदद से इनको अंग्रेजों ने उसको पैसा दिया, उसका नाम था रोहिंदीन। तो रोहिंदीन करके इनका एक बहुत ही सपोर्टर व्यक्ति था, इनका बहुत ही विश्वास पात्र माना जाता था, और भीमा नायक भी इनके काफी विश्वास पात्र माने जाते थे। ये तीनों लोग लगभग साथ में ही रहते थे, एक एरिया में जहां पर ही जाते थे साथ में रहते थे। और जो रोहिंदीन था, इसको भीमा नायक को शक था कि कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कोई गतिविधि कर सकता है, क्योंकि उनको उसके इनपुट्स वहां पे मिल चुके थे। उन्हें कई बार ख्वाजा नायक को वार्न किया कि इस प्रकार का हमला आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो रोहिद्दीन था उस ये बात मानने से मना कर दी, और रोहिद्दीन को कुरान की जो कसम है या कुरान की शपथ दिलाई कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। लेकिन एक दिन अचानक रोहिद्दीन जो है, जब ये नदी में स्नान करने जा रहे थे, उसी दिन रोहिद्दीन ने आके इनके ऊपर गोली चला दी, और उसके बाद इनकी जो पत्नी थी इनके ऊपर भी कहा जाता है कि रोहिद्दीन ने गोली चला के इनको यहाँ पे मार दिया। तो इसी प्रकार से हमारे जो ख्वाजा नायक है, जो मध्य प्रदेश के बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइबल लीडर थे, इनकी मृत्यु हो जाती है, और पूरा जो दारोमदार है इस एरिया के अंदर, इस रिबेलियन को करने का, विद्रोह करने का, वो चला जाता है हमारे भीमा नायक के ऊपर। तो ये दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर है भीमा नायक। भीमा नायक का जो जन्म है वो आपके पंच मोहली करके गांव है बड़वानी में। बड़वानी उस समय एक प्रिंसली स्टेट या रियासती राज्य हुआ करता था। उस रियासती राज्य में भीमा नायक जो है इनका जन्म यहाँ पे होता है, और इन्होंने लंबे समय तक अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन है 1840 से लेके 1864 तक, बड़े लेवल तक आपका जो आंदोलन है वो अंग्रेजों के खिलाफ इस पूरे निमाड़ और आपके पूरा झाबुआ बड़वानी इस पूरे एरिया के अंदर यहाँ पर आपको चलाया। जब ख्वाजा नायक की सेना सेना में जाके शामिल होते हैं, और बेसिकली जो ट्राइबल लोग हैं या जो भील लोग यहाँ पर है, इनके पास तीर धनुष या आपके गोफन नाम का एक हथियार इनके पास में होता है, जिसमें उसके अंदर बीच में पत्थर रख के ये किसी भी व्यक्ति को दूर दूर तक यहाँ पर आपको उसको मार सकते हैं। और कई बार इनका जो निशाना है वो इतना अचूक होता है कि 400-500 मीटर तक जो है वो इजीली यहाँ पर उनके ऊपर यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। कोई अब ये मत बोलना कि 400-500 मीटर कैसे अटैक करेगा, जैसे रानी दुर्गावती के लेक्चर में लोग बोल रहे थे कि क्या स्टोरी सुना रहे हो सर, जबकि मैं आपको बता चुका था कि वो ऐसी स्टोरी बोली जाती, कई सारे जो बुंदेलखंड के लोग हैं या मंडला के लोग हैं, ऐसी स्टोरी वहां पे आपको चलती, वो एग्जग्रेट चीजें हैं जहां पर उनकी महिमा को बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश की जाती है। तो एग्जग्रेशन को आपको समझना चाहिए, वो रियल स्टोरी नहीं थी कि हीरे को वहां पे छुपाया जाता था, हीरे को रख के चले जाते थे वगैरह वगैरह, वो एग्जग्रेशन होता है, वो बड़ी चीजें बताई जाती है, जैसे चांद सी महबूबा हो मेरी कब मैंने ऐसा सोचा था। तो चांद सी महबूबा थोड़ी होती है ना, महबूबा जैसी होती वैसी ही होती है।
तो उनको उपमाएं दी जाती है, उनको इस तरह से एक्सक्रीट करके बताया जाता है। थोड़ा चीजों को समझो, है ना, कमियां निकालने के पहले थोड़ा चीजों को समझो, पूरा वीडियो देखो, ठीक है। चलिए, तो बैक टू द टॉपिक। तो 1840 से 64 तक इन्होंने ये आंदोलन यहाँ पे किया, ये विद्रोह किया, और उसके अंदर उनके जो ख्वाजा नायक थे उनकी शादी के अंदर यहाँ पे शामिल, उनकी सेना के अंदर यहाँ पर आपको शामिल हो गए। और तात्या टोपे का जो पूरा इवेंट चल रहा था 1857, तात्या टोपन है आपके कानपुर के पास में बिठोर है, वहां पर नाना साहेब के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन नाना साहेब को जब वहां से हटा दिया गया पास से, उसके बाद नाना साहेब आपका जो तात्या टोपे है वो वहां से निकल के सेंट्रल इंडिया के जो आपके ये हमारे जो बड़वानी वगैरह या पूरा सेंट्रल इंडिया के जो जंगल है उन जंगलों से होते हुए उनको झांसी जाना था। और कहा जाता है कि भीमा नायक जो है उन्होंने जाके उनकी वहां पे मदद करी, और भीमा नायक से ही इंस्पायर होके उन्होंने अपना आर्मी का पूरा, मतलब पूरा जो अपना प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को यहाँ पे स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उसको बढ़ाने की यहाँ पे शुरुआत की। अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर हमला करना, उनके जो एरियाज हैं उनके एरियाज को कैप्चर करना या उनके एरिया वहाँ पर लूटपाट वगैरह करना, ये इनका बड़ा काम यहाँ पर आपको हुआ करता था, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो बैटल होता है 1857 के अंदर, जहां पर जो ख्वाजा नायक है, तो सबसे पहले एक होलकर की एक सेना थी 1857 में, 1857 में होलकर की एक सेना थी जो बेसिकली आपके ब्रिटिशर्स के साथ में युद्ध लड़ा करती थी, क्योंकि उस समय पे जो होलकर की सेना थी ना, बाद में आपको जब 1857 का रिवोल्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि सादत खान वगैरह जो थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इंदौर के रेसिडेंसी में हमला करके उस एरिया को कैप्चर किया था। लेकिन उसके पहले 1818 में, 1818 में ऑलरेडी अंग्रेज लोग जो है, ब्रिटिशर लोग हैं, उनके साथ में होलकर का जो संधि है वो होलकर का संधि यहाँ पर आपको हो चुका था, जिसके अंदर जिसको ट्रीटी ऑफ मंसूर कहा जाता है। तो उसके अंतर्गत जो सेना है आपकी होलकर की, तो ऑब्वियस ही बात है ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ पर आपको युद्ध लड़ेगी। ऐसे ही एक बैटल के अंदर खरगोन के पास में जो भीमा नायक है उन्होंने होलकर की आर्मी को हराया, और होलकर की आर्मी को हराने के बाद खरगोन और आसपास का जो एरिया है उस एरिया में बड़े लेवल पे लूटपाट वगैरह की, स्पेशली जो अमीर साहूकार लोग हुआ करते थे, राजा की सेना के लोग हुआ करते थे, इन लोगों से लूटपाट वगैरह करके उनके हथियार लूटने का जो काम है वो भीमा नायक ने उस समय यहाँ पे आपको किया। और उसके बाद एक घटना होती है यहाँ पर 1858 के अंदर, जिसके अंदर एक बार अंग्रेजों का एक काफिला यहाँ से निकल रहा था, जिसमें उनके ब्रिटिश की जो ट्रेजरी थी या ब्रिटिश का जो खजाना था, तो खजाने के तकरीबन 2 लाख रुपए इसके अंदर थे, और वो 2 लाख रुपए का जो अमाउंट था, तो उस अमाउंट को जो भीमा नायक थे उनकी और उनके जो जो उनके साथी जो दल के लोग थे उन्होंने उसको वहां पे लूट लिया। और उनको लूटने के बाद फिर इनकी जब गतिविधि आगे बढ़ी, तो और बाकी भी कई सारे जो आपके चाहे ख्वाजा नायक हो गया, चाहे और भी कई सारे छोटे छोटे ट्राइबल लीडर्स थे, इनकी एक्टिविटीज बढ़ने के कारण यहाँ पर आर एच कैटिंग नाम का एक अधिकारी जो है, अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर आपको अपॉइंट किया गया। और इस कैटिंग का मेन काम था कि किसी भी तरीके से भीमा नायक को पकड़ना और इनको पकड़ के इस पूरे एरिया के अंदर जो शांति है, पीस है, वो पीस यहाँ पर आपको स्टैब्लिश करना। तो इसीलिए एच एस कैटिंग जो है इनकी स्थापना यहाँ पे की गई, उनको यहाँ पर आपको अपॉइंट किया गया। और इसी बीच जो भीमा नायक है उनके बीच में और कैटिंग की जो सेना थी उनके बीच में एक छोटा सा बैटल हुआ, इट्स कॉल्ड द पार्वती वैली है, उसके किनारे ढाबा बावड़ी वाली जगह है, जो अभी इसके पहले ख्वाजा नायक में भी ढाबा बावड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था। तो वहां पर इन लोगों के बीच में जो बैटल है, एक छोटा सा युद्ध यहाँ पर आपको होता है, और इस युद्ध में, इस बैटल में, अब ऑब्वियसली बात अंग्रेजों के पास सेना बड़ी है, तो ये लोग उस बैटल के अंदर हार जाते हैं और यहाँ से भाग के जंगलों के अंदर जाके ख्वाजा नायक आपके भीमा नायक और उनकी सेना के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको छूट जाते हैं। फिर दूसरा इनका बैटल हुआ 13 फरवरी 1859 को, जहां पर पंच पावली नाम की जो जगह है वहां पर रामगढ़ के फोर्ट के पास में सतपुड़ा माउंटेन में, यहाँ पर भील लोग और इनके बीच में एक डिफीट हुआ आपके अंग्रेज सेना और आपके भीमा नायक की आर्मी के बीच में, और उसके अंदर फिर से इनकी जो आर्मी है इनकी आर्मी यहाँ पर आपको डिफीट हो जाती है। और इस बार इन लोगों को पकड़ के जो मंडलेश्वर का जेल है आपका खरगोन के अंदर, तो मंडलेश्वर की जेल में इन सभी लोगों को अरेस्ट कर के रख दिया गया। तकरीबन 200-250 लोग थे जिनको पकड़ के अरेस्ट करके वहां रखा गया, जिसमें जो भीमा नायक थे उनकी मदर, उनकी माँ भी इसके अंदर यहाँ पे शामिल थी। लेकिन भीमा नायक जो है यहाँ से भी भाग जाते हैं, और यहाँ से भाग के फिर से अपनी सेना वगैरह इकट्ठा करने का काम या बाकी लोगों को इकट्ठा करने का काम यहाँ पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भीमा नायक यहाँ से भागे, तो अंग्रेज सरकार ने, जो अंग्रेज के सैनिक थे, उन्होंने उनकी माँ पे बड़ा अत्याचार किया, और कहा जाता है कि वहीं पर उनकी जो मदर है उनकी मदर की यहाँ पर आपको उसी जगह पे यहाँ पर आपको मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 22 अगस्त को 1859 को जितने भी बाकी रिवोल्यूशनरी सैनिक थे वो मंडलेश्वर की जेल में जो लोकल सिपाही थे उनकी मदद से रिवोल्ट कर देते, और रिवोल्ट करके उस जेल के अंदर रखा हुआ 7,696 रुपये, तकरीबन 8,000 रुपया वहां से लेके भाग जाते हैं। और बाद में इन सब लोगों को पुलिस ने अलग अलग जगह छापे मार के इन लोगों को अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने में कई सारे इनके जो लीडर्स थे, कई सारे ख्वाजा बंदे, शेख मोहम्मद फिर है, हाजिल हाजी जमील है,
दिल शेर खान है, नरसिम्हन निहाल वगैरह कई सारे लीडर्स जो हैं उनको अरेस्ट किया और उनको वहां पर आपको फांसी की सजा यहाँ पर आपको दी गई। ठीक है, जहां तक बात है भीमा नायक की, तो भीमा नायक ने फिर बाद में जाके जो अंबा पानी का जो बैटल था आपका टट्टा टोपी की हेल्प से 57 में अंबा पानी का जो बैटल है बैटल भी यहाँ पे लड़ा। तो खाजा नायक और आपके भीमा नायक दोनों ने टाटिया टोपे और फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद जो है उनकी युद्ध लड़ने में 1857 की रिवोल्ट है उनमें बड़ी यहाँ पर आपको टाटिया टोपे और बाकी लोगों की यहाँ पर आपको मदद की। बहरहाल टाटिया आपके जो भीमा नायक हैं वो जेल से भागे हुए हैं और अंग्रेज सरकार जो है उनको लगातार यहाँ पर आपको पकड़ने की कोशिश कर रही है। और एक दिन फिर भीमा नायक जो है अंग्रेजों की पकड़ में आते हैं और कहा जाता है कि उसके बाद अंग्रेजों ने उनको मार दिया। कुछ स्टोरीज बोलती हैं कि उनको पकड़ के फिर जो आपका जो सेलुलर जेल है आपका अंडमान निकोबार में, तो वहां पर जाके उनको कैद कर दिया गया, लंबे समय तक काला पानी की सजा दी गई। उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसके बाद में उनके साथ में क्या हुआ। दो अलग अलग स्टोरीज चलती हैं, एक में उनको अंग्रेज सेना द्वारा मार दिया गया, केस चला के उनके ऊपर उनकी फांसी दे दी गई, और दूसरी स्टोरी बोलती है कि इतने खतरनाक थे कि इनको पकड़ के सेलुलर जेल के अंदर काला पानी की सजा यहाँ पर आपको दी गई। तो ये दूसरे हमारे ट्राइबल लीडर हैं जो भीमा नायक थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरे हमारे जो लीडर हैं उनका नाम है टंटिया मामा या टंटिया भील भी इनको कहा जाता है। बेसिकली मालवा रीजन के अंदर जो मामा है, तो मामा जो भील ट्राइब के लोग होते हैं उनको मामा कहा जाता है, विद द ड्यू रिस्पेक्ट उनका सम्मान के लिए उनको मामा कहा जाता है। और दूसरा उनको मामा बोलने का जो कारण है, वो कारण यहाँ पर ये है कि इनको अंग्रेज जो है वो रॉबिनहुड कहा करते थे, और रॉबिनहुड इसलिए कहा करते थे कि ये गरीबों से अमीर लोग जो थे उनसे पैसा लूटते थे और लूटने के बाद गरीबों के अंदर यहाँ पर आपको दे देते थे। कई सारी जो ट्राइबल लड़कियां हैं उनकी शादी में उन्होंने अच्छा खासा कन्यादान वहां पर आपको किया, तो उसके कारण वो लड़कियां उनको मामा बोलती थी और वहीं से ये मामा उनका जो नाम है मामा नाम यहाँ पर आपको प्रचलित हो गया। उनका जन्म होता है 1840 में, कहीं 1840 1842 आपको 2 साल मिलेंगे। खंडवा जिले के अंदर इनका जो जन्म होता है और अंग्रेज के रिकॉर्ड के अंदर इनको एक डकैत की संज्ञा दी गई कि एक डकैत है। 1878 से लेके 1889 तक कई सारी जो गतिविधियां हैं इनके द्वारा इस पूरे एरिया में की गई। और रॉबिनहुड जो मैंने आपको उपाधि बनाया उसका रीजन यहाँ पर यह था कि अमीरों से पैसा लेते थे या जो साहूकार लोग या बाकी लोग इनसे पैसा लूटते थे और गरीबों को यहाँ पर आपको डोनेट करते थे ना। उसके अलावा जो बड़े बड़े साहूकार जमींदार उनके खेतों से अनाज उसको लूट के लाते थे, गरीब लोगों के अंदर यहाँ पर आपको बांट देते थे। तो अंग्रेजों के जो रिकॉर्ड्स हैं वहां तो बड़ी नेगेटिव इनकी छवि है, लेकिन जो भारतीय लोग हैं या जो लोकल जो कहानियां हैं उनके अंदर उनको काफी पॉजिटिव एक हीरो के रूप में यहाँ पर आपको देखा जाता है, जो गरीबों की मदद करता है, अमीरों को लूटता है। और अंग्रेज लोगों ने इनको रॉबिनहुड का जो उपाधि है वो रॉबिनहुड का उपाधि यहाँ पर आपको दिया गया। और इनके पास बहुत ज्यादा कोई बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था पूरे एरिया में। लगातार गुरिल्ला वॉरफेयर या आपकी जो छापा पद्धति है उसके माध्यम से जगह जगह जाकर अंग्रेजों के ऊपर अटैक करते थे। और उसके अलावा जो शूटिंग है आपका, तो जो उसके अंदर भी बड़े जाने जाते थे इनके पास, और कई सारे गोफन वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट बताए वो भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट ये यूज करते थे। ठीक है, तो इन्होंने धीरे धीरे अपने जो लोग हैं उनको इकट्ठा करना यहाँ पर आपको शुरू किया। फिर 1878 में फिर अंग्रेजों के द्वारा इनको पकड़ लिया गया इस एरिया में, और उनको पकड़ने वाले जो व्यक्ति थे हाजी नसरुल्ला खान यूसुफ जी करके व्यक्ति थे, उन्होंने इनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके खंडवा की जेल में लंबे समय तक आपके टंटिया भील को या टंटिया मामा को रखा गया। और वहां पर फिर कहा जाता है कि अंग्रेज जो है जबलपुर के अंदर इनको सजा सुनाई गई, और जबलपुर में सजा सुना के दिसंबर 1890 में इनको फांसी की सजा अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर आपको दे दी गई। ये पूरा केस इनके अंदर यहाँ पर चला और उनको वहां पर फांसी की सजा दे दी गई। इनके ऊपर दो बहुत महत्वपूर्ण मूवी बनी है, एक मूवी है दो वक्त की रोटी 1988 में, और दूसरा जो है टंटिया भील 2012 के अंदर ये मूवी इनके यहाँ पर आपको बनी है। तो ये वैसे तो कई सारे ट्राइबल लीडर्स वगैरह उन्होंने मिलके बनाई थी, तो बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं हुई मूवीज, लेकिन फिर भी दो मूवी इनके ऊपर बनी है। और उसके बाद इंदौर का जो पाताल पानी है वहां पे कहा जाता है कि यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो इसके लिए वहाँ पे पाताल पानी में उनको लेके उनका एक रेस्टिंग प्लेस वहाँ पे बनाया गया है, और पाताल पानी इंदौर में एक उनका स्मारक भी वहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंदौर से महू जो लोकल ट्रेन चलती है, तो वो लोकल ट्रेन जब यहाँ से गुजरती है तो पाताल पानी के पास में ट्रेन रुकती है, और ट्रेन रुकने के बाद इनका जो समाधि है वहां पर नारियल अगरबत्ती वहां पर आपको लगाई जाती है। क्या वो प्लेस थोड़ा सा नीचे है,
तो थोड़ा हाइट के ऊपर प्लेस है, तो नीचे जहां पर एक जगह बनी है वहां पर इनको नारियल अगरबत्ती वगैरह लगाया जाता है, उसके बाद ट्रेन यहाँ से आपको आगे गुजरती है। तो टंटिया भील वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये तीनों जो बड़े संग्राम सेनानी थे हमारे मध्य प्रदेश के, और इन तीनों के कारण अंग्रेजों ने एक आर्मी स्टैब्लिश की, एक पल्टन स्टैब्लिश की, जिसका नाम रखा गया भील पल्टन। भील पल्टन बेसिकली इंदौर के अंदर उसका हेडक्वार्टर था, जैसे अभी के टाइम पर आपका जो पीटीसी इंदौर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इंदौर है, तो वो जो पूरा एरिया है वो भील पल्टन वाला एरिया था। तो भील लोग जो थे उनसे लड़ने के लिए उन्हीं की आर्मी बनाई गई, क्योंकि अंग्रेज अगर गोली चला रहा है इधर से, गोफन से पत्थर मांग रहे, तो अंग्रेज उनसे नहीं लड़ सकता। इसके लिए इन्हीं लोगों से लड़ने के लिए अलग से एक छोटी सी आर्मी बनाई गई, जिसको भील पल्टन बोला गया। और उनका जो मेन काम था भील पल्टन का, इसी प्रकार के जो क्रांतिकारी लोग थे उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको यहाँ पर आपको पकड़ना उनका काम था। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे ट्राइबल लीडर्स हुए। और जैसा मैंने आपको कोड बताया, पवन लाइव कोड यूज करके अब बाकी लेक्चर्स भी आप प्लस के लेक्चर्स देख सकते हैं, और साथ ही आपको ऊपर आई बटन में और आखिरी में आपको जो बाकी जो लेक्चर्स हैं उनकी लिंक भी आप मिल जाएगी, तो जाके आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू।